आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। कश्मीर और पाकिस्तान के मसले पर अहम बैठक, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हुए शामिल। भारतीय सेना ने पाकिस्तान से कहा सफेद झंडा लेकर आए और पाकिस्तानी घुसपैठियों के शव ले जाएं। उन्नाव रेप कांड में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के घर सहित 17 स्थानों पर छापे, सीबीआई जुटा रही सबूत। बड़वानी में बस और जीप की भीषण टक्कर, जीप सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत। और सामने आई छत्तीसगढ़ के विकास की पोल खोलती तस्वीर, देसी एम्बुलेंस में मरीज। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम के हमले के बाद संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान की हरकतों और उससे निपटने की रणनीति के साथ कश्मीर मसले पर विचार विमर्श किया गया। इस हाई लेवल बैठक में कश्मीर के हालात को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, गृह सचिव राजीव गौबा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद रहे। ये बैठक ऐसे वक्त में बुलाई गई है जब जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद से ही सरगर्मियां काफी तेज हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले हफ्ते कश्मीर के दौरे पर जा सकते हैं। अमित शाह का यह दौरा संसद सत्र के बाद संभावित है। कश्मीर में इन दिनों हालात बेहद तनावपूर्ण हैं, जिसके मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सुरक्षा कारणों से अमरनाथ यात्रियों व पर्यटकों को कश्मीर से वापस भेजने के साथ वहां अतिरिक्त 38,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर भारतीय सेना ने पाकिस्तान से कहा है कि सफेद झंडा लेकर आओ और अपने लोगों के शव ले जाओ। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना ने 5 से 7 पाकिस्तानी सेना के बैट कमांडो को मार गिराया, जिनके शव हमारे इलाके में पड़े हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर 5 से 7 पाकिस्तानी सेना के बैट कमांडो को मार गिराया है। भारतीय सेना ने पाक को मारे गए आतंकियों के शव ले जाने का प्रस्ताव भेजा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को शव ले जाने के लिए सफेद झंडे के साथ आने का प्रस्ताव दिया है। भारतीय सेना ने घुसपैठियों के शव की तस्वीर भी जारी की है। घुसपैठियों के शव को तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। पाकिस्तान ने रोना रोते हुए शनिवार को भारत पर आरोप लगाया था कि नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना कथित तौर पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रही है। इसके जवाब में भारतीय सेना ने कहा कि उनके द्वारा नियंत्रण रेखा पर केवल घुसपैठ रोकने की कोशिश के चलते पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। सेना ने कहा था कि पाकिस्तानी बलों द्वारा लगातार आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिशें हो रही है, जिसके लिए वे लोग विभिन्न प्रकार के हथियारों से हमला कर रहे हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने भाजपा से निकाले गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के घर सहित कम से कम 17 स्थानों पर छापे मारे। उन्नाव की रेप पीड़िता के सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई एक टीम शनिवार को सीतापुर की एक जेल में गई थी, जहां कुलदीप सिंह सेंगर पिछले 1 साल से अधिक समय से बंद है। बताया जा रहा है कि टीम ने वहां सेंगर से मिलने आने वाले लोगों के रिकॉर्ड की जांच की है। जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि सीबीआई 4 जिलों लखनऊ, उन्नाव, बांदा और फतेहपुर में आरोपियों के कुछ ठिकानों पर तलाशी कर रही है। मामले की जांच जारी है। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता लड़की के परिवार ने आरोप लगाया है कि कुलदीप सिंह सेंगर ने 2 सप्ताह पहले एक सड़क दुर्घटना को अंजाम दिया था, जिसमें पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई है और वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। पीड़िता का वकील भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं पीड़िता की चाची और मौसी भी मौके
पर ही मौत हो गई थी। उनकी कार को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी थी, जिसकी नंबर प्लेट काली ग्रीस लगाई गई थी, ताकि हादसे के बाद भागने पर ट्रक को नहीं पकड़ा जा सके। इस हादसे की अलग से जांच चल रही है। ट्रक चालक और क्लीनर को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। ट्रक के मालिक ने दावा किया था कि EMI चूक होने की वजह से वसूली एजेंट से बचने के लिए नंबर प्लेट को काला कर दिया गया था। हालांकि लोन एजेंट से स्पष्ट किया कि ट्रक मालिक भुगतान करने के मामले में पीछे नहीं था, जिसके बाद इस मामले पर ताजा विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व संकट के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 10 अगस्त को हो सकती है। मई में लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के 2 दिन बाद राहुल गांधी ने पार्टी प्रमुख के पद से हटने की घोषणा की थी। इसके बाद वर्किंग कमेटी की यह पहली बैठक होगी। राहुल गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। 25 मई को वर्किंग कमेटी की बंद दरवाजे की बैठक के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा की थी। हालांकि पार्टी नेताओं ने उनके इस्तीफे को अस्वीकार करते हुए अपना फैसला बदलने के लिए कहा था, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक अपना फैसला नहीं बदला है। उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को लाने को कहा है, लिहाजा पार्टी के नेतृत्व को लेकर संकट खड़ा हो गया है। पार्टी ने भी अभी तक राहुल गांधी के उत्तराधिकारी या एक अंतरिम प्रमुख का चयन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। राहुल गांधी के साफ देश देने के बावजूद कि उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को इसमें नहीं फंसाया जाएगा, इसके बाद भी कुछ कांग्रेसी इस बार सोनिया और प्रियंका का नाम शीर्ष पद के लिए चला रहे हैं। अब कांग्रेसी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 10 तारीख को संभव है और इसमें अध्यक्ष पद का कोई हल निकाला जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और स्वास्थ्य और पंचायत मंत्री TS सिंहदेव जी, यह खबर आपके लिए है। पिछले 7 महीने में आपने कुछ किया होता तो यह खबर आपको समर्पित नहीं की जाती। देख लें छत्तीसगढ़ के विकास की हकीकत। आप और आपसे पहले वाली सरकारों ने छत्तीसगढ़ के दूरदराज में रहने वालों को दी है ये देसी एम्बुलेंस। अगर छत्तीसगढ़ की किस्मत में यही दर्द कायम रहना था तो लानत है ऐसी सरकारों पर जो अपने नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे सकती है। छत्तीसगढ़ के हुक्मरानों, आंख खोल कर देख लीजिए एक कड़वी सच्चाई। हो सकता है आपको यह सब देखने की आदत हो, लेकिन सब भेंसानी समाज में ऐसी तस्वीरें देखने के बाद सरकारों की जमकर मजम्मत की जाती है। यह तस्वीर छत्तीसगढ़ की राजधानी में बैठने वाले नेताओं और अफसरों की नाफरमानी का सबसे बड़ा सबूत है। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है। ये काम ठीक हो इसीलिए लोग आपको चुनते हैं, लेकिन उस आम आदमी के हिस्से में आते हैं झूठे आश्वासनों के पुलिंदे। ये है छत्तीसगढ़ के विकास की पोल खोलती तस्वीर। बीमारी और दर्द से निढाल एक व्यक्ति और उसके लिए एक देसी एम्बुलेंस। हुक्मरानों, आपके शहर हो सकता है तमाम सुविधाओं से अटे पड़े हों, लेकिन आम आदमी के हिस्से में तो आपने ये देसी एम्बुलेंस ही दी है। आपको बता दें, एक खटिया को उल्टा कर उसमें मरीज को रखा जाता है, फिर ऐसे में बारिश हो तो उसे पन्नी से ढक कर ये एम्बुलेंस बनाई जाती है और 4 लोग मरीज को वहां तक ले जाते हैं जहां एम्बुलेंस या कोई और साधन मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए मिल जाए। यह है तिमापुर, जो कि पिछले साल यहां सीसी रोड बनना था, अभी तक नहीं बना है। यहां के जो ग्रामीण लोग है परेशानी में बहुत है। देखिए, जो बीमार व्यक्ति है उनको कटिया में इस तरह ले जाया जा रहा है। ये देखे कीचड़, इतनी बारिश हो रही है, यहाँ अभी तक सीसी रोड नहीं बना है, इसलिए एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है सही जगह पर। छत्तीसगढ़ के दूर दराज के इलाके अभी विकास की बाट देख रहे हैं। यह तस्वीर बीजापुर जिले के बासागुड़ा के गांव तिम्मापुर की है। गांव तक सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। लोग यदि बीमार हो जाते हैं तो ग्रामीण इस प्रकार देसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं और अपने परिजनों को अस्पताल तक पहुंचाते हैं। सरकार के विकास और सुविधाएं देने के वादे यहां तक आते आते दम तोड़ देते हैं। हुजूर, कुछ कीजिए और हालात बदलिए, नहीं तो मजबूर जनता मौका आने पर सरकारें बदलने से भी नहीं चूकती। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में अभी काफी कमी है, जिसे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर व्यक्ति को उचित इलाज मिले, इसके लिए कांग्रेस सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है।
छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत स्वास्थ्य एवं जांजगीर चांपा जिले के प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव ने कार्यकर्ताओं और आम जनता से मुलाकात की। वहीं सिंहदेव ने कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक भी ली। इस दौरान टीएस सिंहदेव के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत भी मौजूद रहे। बैठक के पूर्व टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी को स्वीकार करते हुए जल्द ही समुचित व्यवस्था बहाल करने की बात कही। समीक्षा बैठक में स्वीकृत कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के भी निर्देश उन्होंने दिए। ये सारी बातें जो आपने कही, ये व्यवस्थाओं की निसंदेह कमी बनी हुई है और यही जवाबदारी और यही चुनौती हम लोगों ने स्वीकार की है कि जल्द से जल्द इसमें सुधार आना चाहिए। सीधी भर्ती के माध्यम से, वॉक इन भर्ती के माध्यम से हर हफ्ते के सोमवार में खुला दरवाज़ा है कि कोई भी जहां पद रिक्त हैं वहां पर आके कार्य करना चाहते हैं तो उनको संविदा में सीधे भर्ती अभी दी जा रही है। गौरतलब है कि जांजगीर के जिला हॉस्पिटल में टीएमटी मशीन लाकर रखी हुई है मगर इंस्टॉल नहीं किए जाने से इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। यहां की एक्सरे मशीन भी खराब पड़ी है। वहीं ब्लड बैंक में भी लैब टेक्नीशियन और पैथोलॉजिस्ट की कमी की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सिंहदेव ने इन कमियों को तत्काल पूरा किए जाने की बात कही। बच्चे देश का भविष्य है और देश का भविष्य उज्जवल हो इसके लिए साक्षर होना बेहद जरूरी है मगर सरकारी स्कूल और वहां की पढ़ाई पर हमेशा सवाल या निशान लगते हैं। बच्चे तो स्कूल जाते हैं क्योंकि वे पढ़ना चाहते हैं मगर स्कूल जाकर किससे पढ़ें? इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। आदिवासी अंचल के कुछ स्कूलों के हालात ऐसे हैं कि जहां विद्यार्थी तो हैं मगर शिक्षकों की किल्लत है। ऐसे में सरकारों के तमाम दावे और वादे बेईमानी नजर आते हैं। आइए दिखाते हैं आपको सरकारी सिस्टम को आईना दिखाती दखल न्यूज की एक खास रिपोर्ट। कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन मौजूदा हालातों में इसके मायने भी तलाशने जरूरी हैं। जहां आदिवासी अंचलों के बच्चे कलेक्टर साहब के पास जाकर कह रहे हैं कि साहब हम पढ़ना चाहते हैं मगर स्कूल में हमें पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं हैं। आखिर कब तक हम सेल्फ स्टडी पर निर्भर रहेंगे? देश की शिक्षा व्यवस्था को आईना दिखाती है तस्वीर नरसिंहपुर जिले की है, जहां जिला मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर के आदिवासी अंचल मुंगवानी में हायर सेकेंडरी स्कूल बीते एक वर्ष से केवल दो शिक्षकों के भरोसे पर चल रहा है। ऐसे हाल में इन छात्र छात्राओं को 30 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय में सरकारी हुक्मरानों से गुहार लगाने मजबूर होना पड़ा। कक्षा 9 से 12 तक के 500 की संख्या वाले स्कूल में हिंदी और साइंस टीचर के अलावा कोई शिक्षक ही नहीं है। जो शिक्षक पहले थे उनका तबादला कर अन्य जगह स्थानांतरित कर दिया है। जिले का शिक्षा विभाग दूसरे शिक्षकों की व्यवस्था नहीं कर सका और मजबूरन छात्र छात्राओं को जिले की सबसे बड़ी चौखट का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होना पड़ा। हम लोगों को सेल्फ स्टडी करनी पड़ रही है और हमारे स्कूल में टीचर्स नहीं है। दो टीचर्स हैं, दो टीचर्स के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है और हम लोगों के टीचर अटैच किए हैं तो उन लोगों को वापस किया जाए बस। और 10th और 12th तो बोर्ड है ना, वो उन लोगों को तो एक टीचर नहीं है। हाँ, अभी बच्चे आए थे मुंगवानी में, टीचर्स की कुछ कमी है ऐसा उन्होंने मुझे बताया है। मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को कहा है, मुंगवानी हमारा आदिवासी क्षेत्र का एक प्रमुख गाँव है और बड़ा स्कूल है, वहाँ पर टीचर्स की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। किस वजह से वहाँ टीचर्स की संख्या कम हुई है वो मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है और हम बहुत जल्दी वहाँ शिक्षकों की व्यवस्था करा देंगे। विद्यार्थी ही नहीं उनके माता पिता भी शिक्षा विभाग के सिस्टम से परेशान हैं और अपने बच्चों के साथ वे भी प्रशासन से शिक्षकों की व्यवस्था करने की गुहार लगा रहे हैं। सरकारें जहां आदिवासी बहुल इलाकों में उनके उत्थान के लिए बड़े बड़े दावे करती है वहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और मेरे यहाँ हाई स्कूल मुगवानी में 500 करीब करीब बच्चे हैं 9वीं से 12वीं तक, उसके बाद दो टीचर हैं, चार टीचरों अटैच कर दो उनने, बाकी अतिथि पेशे साल भी काम चला रहे थे। अभी तो वो अटैच है तो वो अतिथि भी नहीं भर पा रहे वहाँ पर, शिक्षण कार्य बहुत प्रभावित हो रहा है सर। अरे वो तो सेल्फ है, मतलब जैसा भी पढ़ रहा है, बाकी तो उनकी ज़िंदगी तो खिलवाड़ हो रहा है ना सर। निवेदन करवे ये आए कि मतलब हमें यहाँ टीचरों की पूर्ति की जाए। हम मंगवानी से आए हैं, हमारे स्कूल में टीचरों की बहुत कमी है। हमारे स्कूल में सिर्फ दो ही टीचर हैं और वो बहुत सारे कामों में बिजी रहते हैं, हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब जब ये विद्यार्थी खुद अपने भविष्य को बचाने की गुहार लगा रहे हैं वहीं मीडिया में भी यह खबर गंभीरता से दिखाई जा रही है तो अब इसे भय कहें या शर्मिंदगी मगर शिक्षा विभाग नींद से जाग रहा है और तत्काल मुंगवानी स्कूल में शिक्षकों की व्यवस्था करने की बात करता नजर आ रहा है।
मैं अभी यहाँ पर आया तो बच्चों को यहाँ पर देखा मैंने, इनको तो यहाँ पर मैं आकर इनका ज्ञापन मैंने लिया है जो मुलतः कलेक्टर साहब को है, तो मैं यहाँ का परीक्षण करवा रहा हूँ और मेरी तरफ से ये कोशिश होगी कि अगले 3 से 4 दिवस में जो भी यहाँ पर शिक्षकों की व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर हो जाए। करोड़ों रुपए के सालाना बजट के बाद भी शिक्षा का स्तर दिन ब दिन नीचे पायदान पर पहुंचता जा रहा है। भले ही सरकार शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल प्रणाली लागू करने की बात कर रही हो, मगर जब तक स्कूलों में विषयगत शिक्षकों की व्यवस्था और मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी, तब तक देश के आने वाले कल की तस्वीर नहीं बदली जा सकती। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो गया। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़वानी के निवाली में बस और जीप की भीषण टक्कर हुई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस टक्कर में जीप का एक हिस्सा पूरी तरह से उड़ गया है। बताया जा रहा है कि बस की तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ। निवाली थाना क्षेत्र के खड़ीखाम घाट पर एक बस और जीप की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि जीप का एक हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उसमें एक साइड में बैठे लोगों ने टक्कर के बाद मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना में घायलों को निवाली से प्राथमिक उपचार के बाद बड़वानी जिला अस्पताल रेफर किया गया। मृतकों के नाम विजय पाटीदार, सुरेश रूप सिंह, भिलाला किशोर ड्राइवर और नारायण गंगाराम पाटीदार हैं। ये सभी धार के निवासी हैं। ये कुछ ही से तोरणमाल जा रहे थे। हादसे के बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जीप चला रहे ड्राइवर के शव को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। घायल भी घबराए हुए थे। कुछ समय तो उन्हें होश ही नहीं था कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है। जबलपुर नगर निगम के 2 कर्मचारियों को लोकायुक्त पुलिस ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नगर निगम के ये भ्रष्ट एक पेंशन के मामले का निपटारा करने के लिए रिश्वत ले रहे थे। नगर निगम की सेवानिवृत्त महिला सफाई कर्मी सविता महतो का बेटा मनीष महतो अपनी मां के पेंशन प्रकरण को निपटाने के लिए नगर निगम के पेंशन विभाग में गया, तो पेंशन विभाग प्रभारी राकेश पांडे और लिपिक लता नामदेव ने पेंशन निर्धारित करने के एवज में उससे 40,000 की रकम बतौर रिश्वत मांगी। मनीषा महतो ने भी जब अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला दिया, तब इन दोनों कर्मचारियों ने शनिवार को 20,000 रुपए में मामला निपटाने का वादा किया। इस पर मनीष महतो ने लोकायुक्त पुलिस के डीएसपी जेपी वर्मा से संपर्क किया और अपनी शिकायत दर्ज कराई। ये बोलते थे फाइल मैडम बोलती थी फाइल यहाँ पहुँच गई है, वहाँ जाके बात करो, ये हमारे साथ चलो हम बात कर रहे हैं। फिर कल जाकर वो डिमांड हुई पैसों की, तो आधा पैसा सर मैंने आज लेकर आया हुआ था, आधा मेरे काम होने के बाद देना था।
लोकायुक्त पुलिस ने मनीष महतो को केमिकल युक्त 20,000 रुपए देकर उसे नगर निगम भेजा। पेंशन विभाग प्रभारी राकेश पांडे ने यह रकम लेकर लता नामदेव को दी। ठीक उसी वक्त लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारकर दोनों कर्मचारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर रिश्वत की रकम बरामद कर ली। इधर लोकायुक्त पुलिस की इस कार्रवाई को पूरे नगर निगम कार्यालय में सनसनी फैल गई और कर्मचारी इस कार्रवाई को देखने के लिए पेंशन शाखा के सामने जमा हो गए। लोकायुक्त पुलिस ने दोनों कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब इन कर्मचारियों की संपत्ति की जाँच की जाएगी। मनीष महतो हैं, फूटा ताल में रहते हैं। इनकी माँ सफाई कर्मी थी यहाँ पर नगर निगम धौलपुर में और जून में रिटायर्ड हुई हैं। तो उनका पेंशन प्रकरण और ग्रेचुटी का प्रकरण यहाँ पेंशन शाखा में लंबित था। तो पेंशन शाखा के बाबू राकेश पांडे और स्थापना शाखा की बाबू लता नामदो, इन्होंने मिलकर 40,000 रुपये की डिमांड की थी प्रकरण को बनाने के लिए। और शिकायत का सत्यापन आज किया गया और 20,000 रुपये पहली किस्त के रूप में रिश्वत लेते हुए इनको पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश में वाहन चालकों की गलती से कई जंगली जानवर सड़क क्रॉस करते वक्त मारे जाते हैं। नरसिंहपुर के पास भी एक अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत हो गई। नरसिंहपुर शहर के पास ग्राम बचई में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक तेंदुए की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक NH-26 पर तेंदुआ घायल अवस्था में मिला। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच की तो तब तक तेंदुए ने दम तोड़ दिया था। बताया जा रहा है कि महाकोश शुगर मिल के पास छोटी पहाड़ी के नजदीक सुबह 6 बजे तेंदुआ जब सड़क क्रॉस कर रहा होगा तब उसे किसी वाहन ने टक्कर मार दी। इसके बाद वो सड़क किनारे बनी नाली में जा गिरा। चोट लगने से वह उठ भी नहीं पा रहा था और कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। जबलपुर पुलिस से 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे सोने चांदी के जेवरात, लैपटॉप, मोबाइल फोन, बाइक बरामद की गई है। पुलिस को इन चोरों के बारे में खबर मिली थी कि कुछ ना कमाने वाले ये लोग बेहिसाब खर्च करते हैं। पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि ये तीनों शातिर चोर हैं। आधारताल पुलिस ने बाबा टोला दुर्गा चौक से 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चुराए हुए सोने चांदी के जेवर, लैपटॉप, 3 मोबाइल, 1 बाइक समेत 2,00,000 रुपए का माल बरामद किया गया। पुलिस गिरफ्त में आए चोरों से पुलिस अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली कि बाबा टोला निवासी मोहम्मद अकील खान, पीरू खान, अम्मू उर्फ अख्तर उर्फ आजाद खान अनाप शनाप रुपए पैसे खर्च कर रहे हैं। इन तीनों संदेहियों से पुलिस ने पूछताछ की तो तीनों ने 2 चोरी की वारदात का खुलासा किया। ये दो चोरियां है। एक 9/7/2019 को कृष्णा कॉलोनी सुहागी में हुआ था, जिसमें 2 सुने घरों में चोरी हुई थी। 1 लैपटॉप, 3 मोबाइल, 1 डोंगल, 1 ईयरफोन, चांदी के 5 कड़े, 1 सोने की अंगूठी, 1 डिस्कवर मोटरसाइकिल, इसे भी जब्त कर ली गई है। लगभग 2,00,000 का मसरूका है। पकड़ा गया चोरी का आरोपी अकील खान भोपाल का मूल निवासी है, जिसके विरुद्ध कमलानगर थाने में चोरी और नकाबजनी की 18 मामले दर्ज हैं। इसकी भोपाल के कमलानगर थाने में हिस्ट्री शीट खोली गई तो पता चला कि इस पर जबलपुर से पूर्व से चोरी एवं नकाबजनी के 9 अपराध पंजीबद्ध है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक मोहन मरकाम ने अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे अगर चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करेंगे तो वे ज्यादा दिन के मेहमान नहीं रहेंगे। आगे ये भी कहा कि अगर तंत्र में बैठे अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बात नहीं मानते हैं तो हमें गांधी जी के द्वारा दूसरा मार्ग भी सिखाया गया है। हमारी सरकार को जुमा 7 महीने हुए हैं, लोकतंत्र में समस्याएं आती हैं, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने स्थानीय जिला कांग्रेस कमेटी में आयोजित शहरी निकाय कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कहा। वे अधिकारियों को लेकर काफी आक्रामक दिखे। उन्होंने कहा कि यदि तंत्र में बैठे अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बात नहीं मानते हैं तो हमें गांधी जी द्वारा दूसरा मार्ग भी सिखाया गया है। महाविद्यालय की समस्याएं मेरे संज्ञान में भी आई हैं, जिसे विभागीय मंत्रियों की जानकारी में लाकर सुलझाया जाएगा। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं को जहां जिले के विधानसभा की 5 सीट पर जीत दिलाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बधाई देते हुए लोकसभा चुनाव में हुई हार से सीख लेने की बात भी कही। वहीं उन्होंने बताया कि वर्तमान में निगम मंडलों व संगठन का विस्तार किया जाना है, जिसके लिए सारे जिलों का भ्रमण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते हैं वे ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। हमारा जुमा सरकार है, अगर समस्याएं तो मेरे संज्ञान में भी आई काले जो भी समस्या है उन समस्याओं को माननीय मंत्री जी से, विभागीय मंत्री जी से, उनकी सरकार से हम निवेदन करेंगे कि सरकारी समस्याओं का निराकरण होगा। 5 साल के लिए निर्वाचित हुए, अगर जनता की हम समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तो 5 साल बाद जनता रोड में ला सकते। इसलिए हमारे जो स्थानीय हमारे पार्षद रहे होंगे उन्होंने व्यवस्था के साथ व्यवस्था की।
मशहूर गायक और अभिनेता किशोर कुमार के जन्म दिवस पर खंडवा में उनकी समाधि पर दूध जलेबी का भोग लगाया गया और उन्हें सुरमई श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दूध जलेबी का भोग लगाकर मशहूर गायक और अभिनेता किशोर कुमार के जन्म दिवस पर उनको याद किया गया, उनकी समाधि को फूलों से सजाया गया। इसके बाद प्रशंसकों ने उन्हें गीतों के जरिए श्रद्धांजलि दी। प्रसिद्ध गायक विनोद राठौर समाधि स्थल पर किशोर दा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। किशोर कुमार का जन्म खंडवा में हुआ था और यहीं से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। रंगमंच हो या गायकी, हर जगह उन्होंने अलग छाप छोड़ी। भारतीय सिनेमा किशोर कुमार के योगदान को कभी भूल नहीं पाएगा। अब बात आज के वीडियो वायरल की। कश्मीर घाटी में इस समय तनाव के हालात हैं। ऐसे में क्रिकेटर आर्मी मैन महेंद्र सिंह धोनी अपने सैनिक साथियों के साथ कश्मीर में ड्यूटी पर हैं। रोज के कामों के बाद धोनी कभी कभी फिल्म का गीत गाते नजर आए। उनका ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। धोनी ने क्रिकेट से 2 महीने का ब्रेक लिया है और वे भारतीय आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आर्मी में धोनी को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक दी गई है। फिलहाल उनकी पोस्टिंग दक्षिण कश्मीर में है, जहां वे विक्टर फोर्स का हिस्सा हैं। इस दौरान वे सेना के 106 टीए बटालियन के साथ आम सैनिकों की तरह पेट्रोलिंग और गार्डिंग जैसी ड्यूटी भी निभा रहे हैं। उनकी ये सेवा 15 अगस्त को समाप्त होगी। बहरहाल आर्मी यूनिफॉर्म पहने धोनी का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे सैनिकों से बात कर रहे हैं और फिल्म कभी कभी का गीत मैं पल दो पल का शायर हूं गुनगुना रहे हैं। ये वीडियो देखते ही देखते इतना वायरल हो रहा है कि ये इंटरनेट सनसनी बन गया है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में, कहीं जाइएगा मत। जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। और कल्याण भाई, पूरे देश में ऐसी कई जगह तो यदि बाढ़े आ रही है बता रहे हूँ, कहीं मगर निकल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। और नगर निगम वाले तो ये बोल रहे हैं कि लो पानी, हमने पूरा है ना ड्रेनेज सिस्टम है ना चौक कर दिया है, अपने घरों में ला वाला पानी भर रहा है, पानी पानी चिल्ला रहे थे गर्मियों में, लो अब ये तो चल रहा है। और भैया भोपाल का ताल तो ऐसा लवालब हो रहा है, गेट खुलने वाले हैं बताना भदभदा के। और वो क्यों होने वाला है बताओ? हम लोग भैया पेड़ पौधे बहुत लगाते हैं, पूरी हरियाली है, इसीलिए यहाँ बारिश होती है। कई जगह बारिश नहीं हो रही, ग्वालियर में पानी नहीं गिर रहा। और मैं बता रही हूँ पेड़ पौधे लगाओ तब बारिश होगी यहाँ। और दूसरा है बाढ़ राहत जो सामग्री मिल रही है, अधिकारी वगैरह बड़े खुश हो रहे हैं, सभी अपने बंगलों को मरम्मत करा रहे हैं। मंत्रियों के बंगलों में जो पानी वानी रिस रहा है वहाँ भी मरम्मत हो रही है। भाई अधिकारी और मंत्री मजबूत होंगे तभी तो ये बाकी जगह मजबूती आएगी। और जो बेचारे डूबे हुए हैं ये बाढ़ में, उनकी उनके पास जाने में भी टाइम लग रहा है, उनको अभी पहुँच जाएंगे बेचारे। और ये देखो, ये बहुत ही अच्छा खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्नाव रेप केस जो हुआ है उसकी सुनवाई का बोला है कि 45 दिन में सुनवाई हो जानी चाहिए। ये बहुत अच्छी खबर है बता रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ ऐसे दरिंदों को तो है ना बहुत जल्दी है ना उनका डिसीजन होना चाहिए, फांसी फूसी होना चाहिए इनको। तो मैं ये बता रहा हूँ क्राइम करना भूल जाएंगे लोग। और बीजेपी ने है ना उनको है ना बिल्कुल स्वच्छता अभियान जो चल ही रहा है उनके यहाँ ये सब भाग बाहर फेंक दिए कचरे में। हाँ, और ये खबर, ये बहुत अच्छी खबर सुन लो। अपने मुख्यमंत्री जो कमलनाथ जी हैं उन्होंने संविदा कर्मी हैं जो वो घोषणा कर दी है कि उनको नियमित किया जाएगा। उनमें खुशी की लहर हो रही है। और मैंने कहा ज़्यादा मत लड्डू वड्डू मत फूटो, अभी हो जाने दो, उसके बाद बांट लेना मिठाई वगैरह। हाँ, ये तो चल गया है। वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सुना रही हूँ। वो जो 6 पायलट है ना जो जहाज वगैरह उड़ाते हैं, वो परीक्षा दे रहे थे, नकल करते हुए पकड़े गए। अब वो सवारियाँ पूछ रही हैं पायलट से, जैसे ही प्लेन में घुसती हैं, भाई साहब आपने बोले जो प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग तो असल में ली है ना, ये तो चल गया है। और भैया ये खबर ये सुन लो, डॉक्टरों की जो हड़ताल चल रही है, मैं बता रहा हूँ डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। बेचारे मरीज हो, किसी का ऑक्सीजन निकल रहा है, कोई हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कोई गिर रहा है, कोई एक्सीडेंट में चला रहा है। अब मैं बता रहा हूँ डॉक्टरों को भगवान बोला जाता है, और जब देखो जब हड़ताल। और मैं बता रहा हूँ अपनी मांगों को मनवाना है तो कोई नए तरीके ढूंढो ना भैया। ये हड़ताल का क्या तरीका है? ये मरीजों को तो देखो
ओ भैया मैं बता रही हूँ, मंत्रियों नेताओं के मुंह से तो ऐसे बड़ा बड़ा कुछ भी निकलने लगता है, बता रहा हूँ। अभी आजकल जीतू पटवारी जो मंत्री हैं अपने, वो डेंटिस्ट हो गए। वो कह रहे हैं अभी हमने भाजपा के दो दांत तोड़े, पूरी 32 ही तोड़ेंगे। बताओ ऐसी ऐसी तो भाषाएं आ रही हैं। ये इंदौर के लोगों को पता नहीं क्या नमकीन में खाते हैं, कोई बल्ला चलाता है, कोई दांत तोड़ता है। ये खबर और सुन लो दिल्ली से, और दिल्ली में जो है ना बिजली 200 यूनिट तक फ्री दे रहे हैं केजरीवाल जी। मुझे पता है कि चुनाव आ रहे हैं, और ये चुनाव में ये फ्री बांटने की जो आदतें हैं लोगों को आलसी बनाने की, ये परंपरा चलती रहेंगी। अरे तुम तो बोल रहे थे कि नई पार्टी बनाई है तुमने, ये करेंगे वो करेंगे, बता रहे हूँ। चलो मैं भी चला यहाँ भी कुछ बांट रहा हूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. Sangeet ki swar lehriyon se, sanskritik taane baane tak, chambal ke peedon se, naxalwadiyon ke garh tak, jhopdi se mahalon tak, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lncetu.ac.in.